अब रुख करेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यालय की कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने कई विषयों पर पत्रकारों से चर्चा की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर कहा कि अगर वो निर्दोष हैं तो बौखलाहट क्यों, और अगर डर नहीं है तो भीड़ क्यों ले जा रहे हैं? आप विदेश में इटली बैंकॉक हो आ जाते हैं, वहां अकेले चले जाते हो, ईडी के सामने भीड़ की क्या जरूरत है? ये भ्रष्टाचार को मुद्दे पर पॉलिटिकल करने की कांग्रेस की नापाक कोशिश है, लेकिन देश की जनता जानती है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। घबराहट इस बात की है कि इस इंदौर महापौर उम्मीदवार को लेकर किए गए सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि बात स्मार्ट सिटी के लिए इंदौर में स्मार्ट कैंडिडेट चाहिए था, योग्य और नौजवान कैंडिडेट चाहिए था, इसलिए नौजवान कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। देखिए, अगर निर्दोष है तो बौखलाहट क्यों है, और अगर डर नहीं है तो भीड़ काहे की है? आप विदेश में बड़े बड़े इटली हो जाते हैं, बैंकॉक हो जाते हैं, थाई हो जाते हैं, वहां तो अकेले जाते हो। ईडी के सामने जाने में भीड़ की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? भ्रष्टाचार के मुद्दे को पॉलिटिकल बनाने की एक कांग्रेस की नापाक कोशिश है, लेकिन देश की जनता जानती है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। घबराहट उस बात की है। सर, इंदौर को लेकर कैंडिडेट घोषित हो गया है, कैसा कैंडिडेट आप देख रहे हैं? काफी पशुपेश की स्थिति रही, और स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट कैंडिडेट चाहिए था, योग्य कैंडिडेट चाहिए था, जवान कैंडिडेट चाहिए था, नौजवान चाहिए था, स्मार्ट चाहिए था। स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट कैंडिडेट आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी के प्रति इंदौर की अगाध आस्था है। भारतीय पार्टी जनता पार्टी की रीति नीति के प्रति और नेतृत्व के प्रति अगाध आस्था है। इंदौर के लोग दूरदृष्टा हैं, ये पूरा देश देख रहा है, उनका विचार और उनका सोच पूरा देश देख रहा है। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इंदौर मेयर प्रत्याशी को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इतने मंथन के बाद जो चेहरा पुष्यमित्र भार्गव मेयर प्रत्याशी के रूप में उभर कर आया है, वह शहर हित के लिए सर्वोपरि है। पढ़े लिखे नौजवान है, शहर के विकास के लिए परफेक्ट है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, सभी ने उनको स्वीकार किया है। आज जो मेयर प्रत्याशी घोषित हुआ है उसको लेकर आप इंदौर जो तासी रही नंबर वन, आपने तो नंबर वन चेहरा ही ले आए, उसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पढ़ा लिखा नौजवान जो कि इंदौर का नेतृत्व करेगा, और इंदौर जैसे शहर में इस प्रकार के लोग चाहिए जो प्रदेश और देश से शहर के विकास के लिए पैसा भी ला सके। तो मुझे लगता है कि कैपेबल पर्सन, और हम लोग पीछे खड़े होकर उनकी पूरी मदद करेंगे। अभी तक एक रहा है कि जो पुराने लीडर रहे हैं, शहर को समझते रहे हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन इस बार एक युवा चेहरा जो राजनीति में शायद ज्यादा नहीं इन्वॉल्व थे, शायद उनका कहना कि पहले थे लेकिन बीच में वकालत करने लगे, ऐसे में इंदौर कैसे स्वीकार करेगा, कार्यकर्ता कैसे स्वीकार करेगा? कार्यकर्ता तो स्वीकार कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कैडर बेस से अनुशासित है, पार्टी के निर्णय को सिरोधार्य करता है, और इसलिए आप देखिएगा कितने लाख वोट से जीतते हैं। दादा एक लास्ट, राहुल गांधी को लेकर दादा एक लास्ट अभी जो ईडी को लेकर चल रहा है, राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है, उसको लेकर क्या समझते हैं? देखिए, दिल्ली में इतने भ्रष्टाचार किया उन्होंने, कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार को संरक्षण देती, आज राहुल जी के भ्रष्टाचार को कांग्रेस के कार्यकर्ता संरक्षण दे रहे। तो आपने देखा जी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी विजयवर्गीय, उन्होंने कहा कि जो इंदौर का जो चेहरा आया है उभर के, इतने दिनों की, एक हफ्ते से कांग्रेस ने पहले ही जो जारी कर दिया था सूची मेयर प्रत्याशी की, लेकिन ऐसे में बीजेपी का ना जारी होना, कई दिनों से मंथन चल रहा था, उसके बाद जो नया चेहरा कल उभर के आया है, उसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर तो है ही, वहीं आपने देखा कि कुछ तरह उत्साह हुआ है, और उनका कहना है कि जो इंदौर के लिए, जो तासीर समझे इंदौर के लिए, बहुत बेहतर कार्य करेगा, और सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही खूबसूरती से बड़ी ही स्वीकार किया है, और सारे कार्यकर्ता उनके लिए काम करने को तैयार है। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ शीतल राय, इंदौर।